महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कोंकण के लोगों के लिए गणेश चतुर्थी पर विशेष ट्रेन नमो एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि लोग उत्साह के साथ घर जा रहे हैं, वो घर जाकर गणेश उत्सव मनाएंगे। इस ट्रेन का नाम नमो एक्सप्रेस इसलिए रखा गया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से उसी गति से महाराष्ट्र और कोंकण भी आगे बढ़े। गणपति जी का आगमन महाराष्ट्र के लिए नहीं, सारी दुनिया के गण भक्तों के लिए एक बहुत ही उत्साह उल्लास की बात होती है और हजारों लाखों लोग इस समय अपने अपने घरों में जाकर घर पे गणपति जी को लाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पूजा करते हैं। कोंकण के लिए इस बार हमने विशेष मोदी एक्सप्रेस ट्रेन छोड़ी है, जो भी आप देख रहे हैं कि पूरे उत्साह के साथ में लोग यहाँ पर जा रहे हैं और इसी तरीके से घर जाकर गाँव जाकर वो उत्साह के साथ में गणपति जी मनाएंगे। और इसका नाम हमने नमो एक्सप्रेस इसलिए रखा है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसी तेज गति से हमारा कोंकण और महाराष्ट्र भी आगे बढ़े। ये सारा प्रबंध हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है, उनसे हमने खाली एक टोकन अमाउंट लिया है और टिकट जो जिसको जाना है वो आए, उसको हमने सब लोगों के लिए फ्री रखा था। जो भी आए सबको इसमें एडजस्टमेंट किया गया, बाकी जो ज्यादा पड़े उनके लिए हमने बसों की व्यवस्था कर दी है। अतिशय कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, आपने की गलती है और उसके कारण एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जो कि सारे शिव भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।